सम बेसिक कॉन्सेप्ट पीवाईक्यू पार्ट टू में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने चार क्वेश्चन सॉल्व किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सम बेसिक कॉन्सेप्ट का। अब मैं आगे क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। मेरी कोशिश ये होगी कि आपने एक स्किल डेवलप करें और जिसके थ्रू आप क्वेश्चन को कम से कम समय में कर पाओ। निश्चित रूप से इस सिखाने के क्रम में मुझे तो समय ज्यादा लगेगा, लेकिन आप चीजों को कुछ इस ढंग से समझो, कुछ इस ढंग से सीखो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़े और फटाफट आप कैलकुलेट करके आंसर तक पहुंच सकते। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसे आप कैसे सॉल्व करोगे। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml 2MHNO3 सॉल्यूशन। तो आप इसके सॉल्यूशन 5 को कैसे आप समझो कि एक फ्लास्क है, इस फ्लास्क में आपको कितना डालना होगा, ये कि हमें 250 ml 2MHNO3 सॉल्यूशन मिल जाए, HNO3 सॉल्यूशन मिल जाए। तो हमें ये इंफॉर्मेशन है कि 250 ml 2MHNO3 सॉल्यूशन है, तो इसमें प्योर HNO3 क्या है, जरा ये निकाल लें हम लोग। पहले हम लोग ये निकाल लें कि इसमें प्योर HNO3 सॉल्यूशन कितना है, प्योर HNO3 कितना मौजूद है। तो बेटा मोलारिटी इज इक्वल टू W इंटू 1000 मोलर मास इंटू वॉल्यूम। ये फॉर्मूला याद होगा आपको, इससे हम ये निकाल लें, W निकाल लें, मोलारिटी 2m मतलब 2 है, W हमें निकालना है 1000, HNO3 का मोलर मास 63 हो गया, 63 मोलर मास ऑफ HNO3 हो गया। यहाँ पर मोलर मास 63 रख दिया, वॉल्यूम हमारा कितना है 250 ml है, 250 ml रख दिया। बेटा इसे 4 से काट दो और इसे आप 2 से काट दो, तो हमें मिल गया W इज इक्वल टू 63/2 ग्राम प्योर HNO3। तो प्योर HNO3 हमें इतना चाहिए। अब 70% वेट बाय वेट का मतलब क्या है, 70% वेट बाय वेट HNO3 सॉल्यूशन का क्या मतलब है, इसका मतलब है 70 ग्राम प्योर HNO3 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम HNO3 सॉल्यूशन देयरफोर इतना ग्राम कितना में मौजूद होगा, देयरफोर 63/2 ग्राम प्योर HNO3 विल प्रेजेंट इन मौजूद होगा, विल प्रेजेंट इन कितना बेटा, 100/70 × 63/2। जी हाँ, 100/70 एक आठ दो एक जीरो, 9 × 7 = 63, तो 90/2 बराबर 45 ग्राम। जी हाँ, 45 ग्राम आंसर हो गया इसका, 45 ग्राम इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन 5। मैं समझता हूं इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी समझने में। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे हम लोग करेंगे, ध्यान देना।
क्वेश्चन नंबर सिक्स का सॉल्यूशन क्या है, क्वेश्चन नंबर सिक्स का सॉल्यूशन क्या है। क्वेश्चन सिक्स कहता है कि हमारे पास 6.022 मॉलिक्यूल यूरिया का है और 100 एमएम में अगर है तो उसका पोलारिटी क्या होगा। बड़ी आसान है, इस मॉलिक्यूल को मास में कन्वर्ट कर दो, प्रमेय बन गया। तो पहले अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूशन सिक्स, सॉल्यूशन सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स का सॉल्यूशन बेटा, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास NH2CO NH2 ये 14 2 16 16 2 32 और ऑक्सीजन का 16 48 और 12 60 मोलर मास हो गया अमोनिया का। अब बेटा 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 60 ग्राम। बेटा ये 1 मोल का मास है तो 6.022 मतलब 22 अप्रोक्सीमेटली इसे मान लो, 10³ मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया बराबर 60 × 6.022 × 10³ मल्टीप्लाइड बाय 602 × 10²। इसे काट दो है ना, 60 × 10⁻³, 10⁻³ बेटा ये हमारा हो गया मास किसका, यूरिया का। अब बेटा मोलारिटी का फॉर्मूला लगा, मोलारिटी इज इक्वल टू W × 1000 / molar mass × B बराबर बेटा क्या हो गया, ये मास है 60 × 10⁻³ इंटू दिस 1000 डिवाइडेड बाय M 60 मोलर मास इंटू दिस। बेटा ये और ये कैंसिल हो गया, 10³ 3 10³ 3 10⁻³ 10³ 3 ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 1/100 बराबर 0.01 m। जी हाँ 0.01 m, ये रहा सॉल्यूशन आपका 3। ये मुजवाली भी क्वेश्चन हो सकता था, मुजवाली भी ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है और इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान देना बेटे, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 22.4 लीटर H2 गैस है, 11.2 लीटर CL2 है, तो HCl गैस कितना मोल बनेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, लिमिटिंग रिएजेंट का केस, ये सॉल्यूशन नंबर 7 है ना। देखो H2 + CL2 2HCl बेटा, इसका अगर 22.4 लीटर लेकर चल रहे हो और इसका 22.4 लीटर लेकर चल रहे हो तो 2 × 22.4 लीटर बनना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार आपको दिया हुआ है गिवन, गिवन है ये 22.4 लीटर और ये 11.2 लीटर, तो बेटा दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ये कम अमाउंट में है तो जो भी बनेगा इसी के अनुसार बनेगा। इसका मतलब अगर हम 11.2 लीटर ये लेते हैं तो ये भी 11.2 लीटर रिएक्शन में भाग लेगा और ये बनेगा 2 × 11.2 लीटर बराबर 22.4 लीटर बराबर 1 मोल बराबर 1 मोल। समझ आई बात, तो ये मुजवानी क्वेश्चन बनने लायक था, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, रिएक्शन इसके अनुसार होगा। अगर ये 11.2 लीटर
रिएक्शन में भाग लेगा तो यह भी 11.2 लीटर ही रिएक्शन में भाग लेगा, 11.2 लीटर इसका बच जाएगा और ये बनेगा 2 × 11.2 लीटर मतलब 22.4 लीटर मतलब 1 मोल HCl गैस बनेगा और इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा।